धरियावत धर्म नगरी में दीपदान का महापर्व मनाया गया। इस दीपदान में सभी महिलाओं द्वारा धरियावत की नदी पर दीपदान किया गया। महिलाओं ने बताया कि दीपावली से पहले जो शरद पूर्णिमा आती है तब से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक सभी महिलाओं द्वारा पूरे माह उपवास किया जाता है और सुबह जल्दी उठकर नदी पर जाकर स्नान किया जाता है। यह परंपरा बेहद शुभ मानी जाती है और बहुत प्राचीन परंपरा है जिसे आज भी महिलाओं द्वारा उत्साह से मनाया जाता है और इस माह का वेदों पुराणों में भी विशेष महत्व है। गुरुद्वारा गुरु नानक सभा सिंधु नगर में जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह ने बताया कि इस अवसर पर आकर्षक रोशनी से गुरुद्वारा परिसर की सजावट की गई। खुले पंडाल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश हुए और प्रातः 5 बजे संपूर्ण श्री आसा की वार के कीर्तन हुए। साथ ही अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के पश्चात कीर्तन के विशेष दीवान सजे जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हुजूरी में ज्ञानी हरमीत सिंह, ज्ञानी सुखबीर सिंह रसमय गुरबाणी और शब्द कीर्तन द्वारा समूह संगत के अवसर पर कीर्तन के लिए उदयपुर से आई बीवी जसवीर कौर ने भी गुरबाणी कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। सचिव ऋषिपाल सिंह ने बताया कि इस पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब जी को नतमस्तक हुए और गुरु का लंगर चखा। इस कार्यक्रम में आईएसएस के लगभग 400 से अधिक कार्यकर्ता हस्तिमल के नेतृत्व में गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। इन्होंने सभी श्रद्धालुओं को गुरु पर्व की बधाई दी और बताया कि सिख धर्म की स्थापना ही मानवता की रक्षा के लिए हुई है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट, एसपी हरेंद्र महवार, कोतवाल यशदीप भल्ला, बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दान, पार्षद कैलाश रूपानी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर बयाना में भी गांव नारोली सहित गुरुद्वारों में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिनमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ और शब्द कीर्तन व चोला पूजन के साथ अरदास आदि कार्यक्रमों के बाद गुरु के अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने बिना किसी भेदभाव के साथ पंगत की संगत में बैठकर दाल रोटी का प्रसाद चखा। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर बयाना सहित ग्रामीण क्षेत्र के गांव भीमनगर, ब्रह्मवाद, गांव नारोली स्थित गुरुद्वारों में रोशनी और सजावट भी की गई। श्री गुरु नानक देव जी के 550 वर्ष के प्रकाशोत्सव यहाँ पर पहले 21 दिन की प्रभात फेरियाँ बयाना के अंदर निकाली गई, बड़ी भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया इसमें भी, और उसके बाद श्री अखंड पाठ साहब रखा गया। 3 दिन से उसका भोग आज हुआ है जिसमें ज्ञानी जी के द्वारा कीर्तन दरबार सजाया गया और उसके अंदर भारी संख्या में लोगों ने अरदास भी की, मत्था टेका तथा उसके बाद लंगर का प्रयोग किया गया। लंगर में भी बड़ी भारी संख्या में बयाना के लोगों ने भाग बढ़ चढ़ के लिया है और ये हमको गुरु जी से मिली कामना है। रुदावल कस्बे के नगला तुला में संचालित एक प्राइवेट स्कूल में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका संचालन संस्था प्रधान सत्यपाल गुर्जर द्वारा किया गया। मौके पर बालकों को खेलों में आगे आने के लिए प्रेरणादायक बातें बताई गई। वहीं बालकों को समझाया गया कि खेल को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए जिसमें आपसी भाईचारे का विकास हो सके, साथ ही आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ रहने जैसे सामाजिक अच्छाइयां निकलकर सामने आती है। इस मौके पर संस्था प्रधान गुर्जर HM बबलू मीणा, हरिओम शर्मा सहित समस्त स्टाफ और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। लखावास में सेन शिक्षा जागृति मंच के आगामी कार्यक्रम को लेकर गांव में समाज के वरिष्ठ जनों ने बैठक में भाग लिया जिसमें अध्यक्ष मोहन पसेरी ने एक पत्रिका का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि आगामी 27 दिसंबर को होने वाले जालोर में जिला स्तरीय सेन शिक्षा जागृति मंच के बैनर तले आयोजित हो रहे कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना है और होनहार बच्चों को मंच पर पुरस्कृत करवाना है। पंचम सेन शिक्षा जागृति सम्मान समारोह जालोर में 27 दिसंबर को होगा जिसमें 10वीं और 12वीं वर्ग के छात्रों को जिन्होंने 70 और छात्रा वर्ग में 60% हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा और पूरे जिले में समाज के वरिष्ठ बंधुओं द्वारा प्रत्येक गांव में जाकर पीले चावल और पत्रिकाएं बांटी गई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यवीर न्यूज, हमेशा सच के साथ।